तो दोस्तों फिर से एक नया कंटेंट लेके आया हूँ मैं आप लोग के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक नया कंटेंट एक मज़ेदार टॉपिक के साथ मैं आज वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू रेलफेंस असम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट गांधीनगर रेलवे स्टेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गांधीनगर रेलवे स्टेशन जैसे कि आप लोग को मालूम होगा और जिन लोगों को मालूम नहीं है, मैं उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सूचित करना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से आप लोग सुनिएगा एकदम लास्ट तक, इस वीडियो में एंगेज रहे। मैं जैसे कि हर वीडियो में बोलता हूँ कि लास्ट तक आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए। क्यों बोलता हूँ दोस्तों, बिकॉज आप लोग 50% नॉलेज लेके मत जाइए मेरे चैनल से। मैं वही चाहता हूँ आप लोग 100% जो कि नॉलेज है, आप लोग 100% नॉलेज लेके मेरे इस वीडियो से या मेरे इस चैनल से आप लोग जाए, ताकि दूसरों को आप लोग बोल सके कि दूसरों को आप लोग बोल सके कि NFR में ऐसे हुआ है या इंडियन रेलवेज में कुछ ऐसा नया बात आया है। तो सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मैं बोलता हूं कि 100% वीडियो को देख। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन, जी हां दोस्तों, गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन जो कि 5-स्टार सर्टिफिकेशन मिल चुका है, जिसके ऊपर 5-स्टार होटल भी बनाया गया है। जी हां दोस्तों, इसीलिए ये 5-स्टार रेलवे स्टेशन के हिसाब से भी बहुत लोग अभी जानने लगे हैं इस स्टेशन को। तो दोस्तों ये स्टेशन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जी हां दोस्तों, PM ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने आज अर्थात 16 जुलाई 2021 आज के इस दिन में दो ट्रेन फ्लैग ऑफ किया इस स्टेशन से। तो ये दो ट्रेन कौन से ट्रेन है तो मैं इस वीडियो के आखिर तक मैं बोलना चाहूँगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और दोस्तों साथ ही इस स्टेशन में स्पेशलिटी क्या क्या है, क्या क्या स्पेशलिटी है दिव्यांगजनों के लिए, यानी जो कि डिजेबिलिटी पर्सन है, तो डिजेबिलिटीज यानी हैंडीकैप पर्सन के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है, या जो जनरल पब्लिक यानी जनरल लोगों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ दोस्तों। तो बेबी फीडिंग एक एरिया भी इस स्टेशन में है। तो जैसे कि आप लोगों को दूसरे न्यूज़ चैनल्स में भी इस बात को सुनने के लिए मिलेगा, बट रेलफेंस असम कुछ नया लेके आया आप लोग के लिए। कुछ विजुअल्स भी मैं शो करूँगा इस वीडियो में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग विजुअल्स देख सकते हैं जो कि एंट्रेंस है। देन फिर मैं आप लोग को इनर लुक भी दिखाऊँगा, आप लोग देख सकते हैं इनर लुक जो कि स्टेशन का इनर लुक है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों दिव्यांगजनों के लिए भी एक्स्ट्रा एक टिकट काउंटर है, देन जनरल पब्लिक के लिए भी एक टिकट काउंटर है। और जो कि इस स्टेशन या इस होटल को आप लोग दो एंट्रेंस गेट है जहाँ से आप लोग अगर आप लोग चाहें तो स्टेशन में जा सकते हैं, जो कि एक स्टेशन का एंट्रेंस है और दूसरा जो कि होटल में जाने के लिए एक एंट्रेंस है। तो दो एंट्रेंस यहाँ में इस स्टेशन में है। तो दोस्तों ये जो टोटल जो ये कमरा होगा इस होटल में जो कि स्टेशन के ऊपर में जो बना हुआ है, टोटल जो इसका रूम्स है तो 300 के ऊपर रूम्स है इस होटल में। तो जो एग्जैक्ट जो कि नंबर ऑफ रूम्स है तो मैं आप लोग को स्क्रीन में शो कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स एंड ऑल्सो जो कि यहाँ में जो फैसिलिटीज़ है, तो हॉस्पिटल भी एक छोटा सा हॉस्पिटल जैसा भी है मेडिकल केयर के लिए इस होटल में। तो बहुत सारे फैसिलिटीज़ इसमें उपलब्ध है इस स्टेशन में और साथ ही इस स्टेशन में भी। और ये स्टेशन एकमात्र स्टेशन है जिसमें पूरे जो प्लेटफॉर्म है आप लोग देख सकते हैं, पूरा सीट से जो कि एल्युमिनियम सीट से कवर है ये स्टेशन, आप लोग देख सकते हैं प्लेटफॉर्म वगैरह, और जो एस्केलेटर्स वगैरह बहुत अच्छे से सुविधा दिया गया है आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग को विजुअल शो कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा बात, एक बहुत नया खासियत है इस स्टेशन में। और इसके जैसे और स्टेशन है तो 123 और ऐसे स्टेशन को डेवलप कर रहे हैं इंडियन रेलवे यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से भी ये जो स्टेशन है, तो 123 स्टेशन और डेवलप करने वाले हैं, ऐसे ही दो स्टेशन और बनाने वाले हैं। तो हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा बात है दोस्तों। तो दोस्तों 123 तो ऐसे ही अगर और 123 स्टेशंस इंडियन रेलवेज में बनेगा तो कैसा हो सकता है, आप लोग खुद सोच लीजिए। और दोस्तों ये जो स्टेशन का निर्माण है, तो इस स्टेशन का निर्माण 2017 से स्टार्ट हुआ था। ये जो गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन है तो इसका जो निर्माण था, तो निर्माण ये 2017 से स्टार्ट हुआ था और अभी 2021 में ये कंप्लीट हो गया है। और आप लोग को मैं और विजुअल्स दिखा, आप लोग देख सकते हैं जो कि लाइटिंग वगैरह है जो स्टेशन या पूरे होटल के जो लाइटिंग्स वगैरह है, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये रात के वक्त में और साथ ही दिन में। तो दिन का विजुअल्स भी मैं प्लेटफॉर्म विजुअल्स भी आप लोग को दिखाया है मैंने, आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों जो कि लाइटिंग वगैरह है तो आप लोग देख सकते हैं एंट्रेंस वगैरह में, आप लोग को शो कर रहा हूँ स्क्रीन। और ये जो सोर्स है, ये जो वीडियोस का जो सोर्स है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तरफ से मैंने ये सोर्स जो कलेक्ट किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तरफ से ये सोर्स मैंने कलेक्ट किया है ये वीडियो सब।
तो ये जो क्रेडिट है तो ये इन सब वीडियोस का क्रेडिट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को जाता है। इसके साथ एडिशनल जो कि है, आज कौन से ट्रेन फ्लैग ऑफ किए गए इस स्टेशन से, नरेंद्र मोदी जी ने कौन से ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया, तो इस बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों ऑन स्क्रीन मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों मोदी जी आज रीडेवलप गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन को इनोग्रेट करने वाले हैं, जो कि अभी तक इनोग्रेट कर चुके हैं वो, और साथ ही दोस्तों गोवत कन्वर्जन जो कि इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, जो कि महेशना से लेकर वरिथा लाइन जो कि है तो वो भी इनोग्रेट करने वाले हैं दोस्तों आज। और साथ ही दोस्तों न्यूली इलेक्ट्रिफाइड जो कि सुरेंद्रनगर से पीपावर जो सेक्शन है तो इस लाइन का भी आज उद्घाटन करेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ऑलरेडी ये उद्घाटन हो चुका है दोस्तों, 4:30 में ये टाइमिंग दिया गया था, तो 4:30 में ये इनोग्रेशन हो चुका है बाय द पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इन दो ट्रेनों का उद्घाटन किया गया है, एक है गांधीनगर कैपिटल से वाराणसी जंक्शन के बीच में सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और एक है मेमू पैसेंजर सर्विस जो कि गांधीनगर कैपिटल और वरिथा के बीच में ये फ्लैग ऑफ किया गया है। और दोस्तों प्लेटफॉर्म में जो बैठने का कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी 480 पैसेंजर्स का एक कैपेसिटी है प्लेटफॉर्म में बैठने का, और ये टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स है गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन में, टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स के रेलवे स्टेशन है। और साथ ही दोस्तों इस स्टेशन को बनाने का जो लागत है तो टोटल 790 करोड़ का इसमें खर्चा किया गया है दोस्तों। और साथ ही जैसे कि मैंने बोला होटल रूम टोटल 318 रूम है, और साथ ही 480 सीटिंग कैपेसिटीज़ है इस स्टेशन में। और दोस्तों दिव्यांगजनों के लिए जो कि पार्किंग अरेंजमेंट, और साथ ही दोस्तों की अलग से टिकट काउंटर, तो ऐसे ही कई सारे फैसिलिटीज़ उपलब्ध है जैसे कि मैंने वीडियो के पहले में बोल दिया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा इस चैनल को, तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए और साथ ही बेल बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही जो अपडेट्स आप लोग को मिलते रहेगा इन फ्यूचर, एंड ऑल्सो एनएफआर अपडेट्स भी मिलते रहेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।